शहर के पास में बने एक शानदार से फार्म हाउस में उसका मालिक दो घोड़े रखता था। दोनों घोड़े एकदम आला दर्जे के। उन दोनों घोड़ों का सबसे अच्छा खासा शहर के पास में ही एक फार्म हाउस में एक मालिक दो घोड़े रखता था, आला दर्जे के घोड़े। दोनों की कदकाठी एक जैसी, दोनों को एक जैसा प्यार, एक जैसा खान पान, और दोनों शानदार। लेकिन जब कोई नजदीक से जाके देखता था तो पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। जी हाँ, लेकिन अंधे घोड़े को अंधे होने के बावजूद उसका जो मालिक था वो उतने ही प्यार से रखता था जितने की आंख वाले को रखता था। समय बीतता रहा, चीजें चलती रहीं, लेकिन उस घोड़े के प्रति उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। मालिक की तरह जो घोड़ा जिसको आंखें थीं, वो भी उस अंधे घोड़े को बहुत प्यार करता था, उसका जिगरी यार था। कई बार उसके गले में जो घंटी होती थी, जिसके आंखें थीं, उस घोड़े के गले में जो घंटी होती थी, वही घंटी उस अंधे घोड़े के लिए अलार्म होता था, वही घंटी उस अंधे घोड़े के लिए एक रास्ता होता था। जब भी वो टहलने जाते थे, दौड़ने जाते थे, कहीं बाहर निकलते थे चारा खाने के लिए, तो वो जो घंटी बजती रहती थी, उसी घंटी के सहारे वो उस आंख वाले घोड़े के पीछे पीछे अंधा घोड़ा चलता रहता था। वो आंख वाला घोड़ा भी पीछे मुड़कर देखता रहता था कि मेरा दोस्त है कि नहीं, मेरे साथ कहीं भटका तो नहीं है। इस तरीके से उन दोनों घोड़ों की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से पार हुई। वो जो अंधा घोड़ा है और वो जो आंख वाला घोड़ा है, वो हम लोगों के बीच में ही है, और वो जो मालिक है वो ऊपर वाला है। आपके अंदर कितना भी दोष क्यों ना हो, कितनी भी कमियां क्यों ना हो, कभी भी ऊपर वाला आपका साथ नहीं छोड़ता है। और याद रखिएगा, कई बार हम अंधे घोड़े होते हैं। हमको रास्ता दिखाने के लिए ऊपर वाला किसी ऐसे घोड़े को भेजता है जिसके गले में घंटी होती है और वो सब कुछ देख सकता है और वो हमें रास्ता दिखाता है। और कई बार हम ही वो घोड़े होते हैं जिसके गले में घंटी बंधी होती है और हम किसी अंधे घोड़े को रास्ता दिखा रहे होते हैं। बस इस बात को समझने की जरूरत है, अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आंख बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो यकीन मानिए जिंदगी सुधर जाए।